प्रॉपर्टी है, इसके साथ अनेक शंकाएं महिलाओं के दिलो दिमाग में हैं। वो भ्रमित हैं कुछ चीज़ों के बारे में, कहीं पर मिथ्या, सोशल स्टिग्मा, रॉन्ग फैक्ट्स, रॉन्ग बिलीफ्स हैं जिनको हमको हटाना है और फैक्ट्स को इन पोजीशन लाना है। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ कि प्रॉपर्टी से फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि ये गर्भ निरोधक है। दूसरा फायदा ये है कि ये 10 साल तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा फायदा कि अगर 10 साल पूर्ण हो गए और आपको दूसरा प्रॉपर्टी लगाना है, तो जैसे ही आपने निकाला, आपने अगला प्रॉपर्टी उसी क्षण डाला और आपकी गर्भ निरोध में कोई भी ब्रेक नहीं आई और ये चलता रहा। चौथा, आप 10 साल तक नहीं रुकना चाहती, अब आप अपना बच्चा प्लान करना चाहती हैं, चाहे वो 5 साल वाला हो चाहे 10 साल वाला हो। जैसे ही आपने सोचा कि मुझे बच्चा प्लान करना है, आप प्रॉपर्टी को निकलवा सकती हैं बिना दर्द के, बिना तकलीफ के, बिना बेहोशी के। फिर प्रॉपर्टी जो है वो बेहोशी के साथ नहीं लगती है, वो आराम से ओपीडी में लग जाती है। प्रॉपर्टी उन महिलाओं के लिए उचित समझी जाती है जिन्होंने एक बार प्रसूति करी हो, चाहे वो सिजेरियन से हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो, और खासकर अगर एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, पर जिनके कभी भी बच्चे नहीं हुए, जैसे कि नवविवाहित महिलाएं जिन्होंने कभी भी बच्चे नहीं किए, उनके लिए ये उचित नहीं मानी जाती। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत सस्ती होती है। 5 साल वाली प्रॉपर्टी करीब 250-300 रुपए की आती है, और जो 10 साल वाली है वो भी 400-450 की आती है। तो ये बहुत ही सस्ता उपाय है, टिकाऊ उपाय है, चिंता रहित है। और जिस तरह कॉन्डम पहनना पड़ता है उसी वक्त संभोग के समय, उसी वक्त सेक्सुअल एक्ट में, तो वो संभोग में खलल डालता है। वो किसी और पर आप निर्भर हो, अपने पति पर, अपने पार्टनर पे, कि वो उसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। किंतु ये जो है, ये उपकरण आपके अंदर डला हुआ है, आप किसी भी समय संभोग करें तो आपको डर भय नहीं होता कि हाँ मेरे को गर्भ तो नहीं अनचाहा हो जाएगा। साथ में जो गोलियां हैं वो हर रोज खानी पड़ती हैं, और गोलियों को याद रखना पड़ता है। यदि गोली मिस हो जाए तो फिर अगले दिन गोली खानी पड़ती है, और अगर महीने में 2 बार से ज़्यादा गोली मिस हो जाए तो वो महीना गर्भ आप का ठहर सकता है, वो सेफ नहीं है। पर ये जो प्रॉपर्टी है, ये एक बार डल गई तो सेफ है और आपको याद नहीं रखना पड़ता। इसका जो, जैसे गोलियाँ होती हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि वो स्तन का कैंसर कर सकती हैं, इसमें ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जो प्रॉपर्टी है, इसका धागा होता है, वो धागा योनि मार्ग में होता है। डॉक्टर हल्के से धागे को खींचते हैं और प्रॉपर्टी बाहर आ जाती है। ये देखिए ना, कितना आसान तरीका है जिसमें आप के हाथ में आपका गर्भ निरोध का उपकरण है और आप इसमें सशक्त हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। डिसीजन आपका है कि आप गर्भ चाहती हैं कि नहीं चाहती। तो आज हमारा ये टॉपिक रहा, आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत नमस्कार।